हैप्पी बर्थडे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग विद लेविश मी। और आज मैं काफी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बिकॉज आज बहुत स्पेशल पर्पज से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज नहीं कल मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे स्पेशल ब्लॉग है, आप लोग मान सकते हैं। आज रात से ही शुरू कर दे रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी आए और मेरे को बोले फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमको एक ड्रेस दिलाऊंगा बर्थडे स्पेशल। और फ़ोन तो ऑलरेडी मुझे गिफ्ट मिल ही गया है, जो फ़ोन मैं जिससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, S23 उन्होंने मुझे दिया है, तो वो प्री गिफ्ट था। और एक अभी उनको एक ड्रेस दिलाना है, तो अभी हम लोग जाना है, ड्रेस लेंगे और उनको केक भी लेना है, छोटा मोटा नाइट को सेलिब्रेशन करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास 2-3 ड्रेस न्यू पड़े हुए हैं, पहन सकते थे, लेकिन वो जिद पकड़े हैं कि नहीं नहीं लेना ही है। और 9 बज चुका है, देखते हैं शॉप खुला भी होगा कि नहीं। तो चलिए निकलते हैं और ब्लॉग के साथ बने रहिए, ये बर्थडे स्पेशल ब्लॉग होप्स आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा और फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या लगता है, दुकान खुला है होगा इतना रात को? चलिए निकल तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आ गए हैं मफिन मैन में, और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं केक के, और यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है ब्लूबेरी। फाइनली केक मिल गया, और एक चीज़ है जो मिलना बाकी है, देखेंगे। देखो ना यहाँ पे ना, ये गिफ्टिंग के लिए भी है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं एक्रोपोलिस, क्योंकि उनको मेरे लिए ड्रेस भी खरीदना है। ड्रेस भी मिल जाएगा जैसे हम लोग को केक मिल गया, तो देखते हैं। फिलहाल अभी शॉपर स्टॉप में आ रहे हैं, स्टॉप से निकल रहे हैं। मुझे कुछ भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जबरदस्ती मुझे लेना नहीं है, तो देखते हैं कहीं और। फाइनली यहाँ पे कुछ कलेक्शन मुझे अच्छा लग रहा है वेस्ट साइड में। कौन सा वाला? इसका मटेरियल उतना ज़्यादा हमको पसंद। Awesome. गजब लग रहा है। फाइनली हम लोग का डिसाइड हो गया है क्या लेना है। एक एक नहीं, 2 पसंद आ गया मुझे, तो 2 ही लेंगे। चेहरा का हालत ऐसा हो गया है, बहुत थक गए हैं, इतना रात को गए, लेकिन जो जो हम लोग को चाहिए था चीजें सब कुछ मिल गया, एंड वी बोथ आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो अभी बज रहे हैं 10 और 12 बजे का इंतजार है बस। लोग देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ, और बहुत दिनों बाद मैं मतलब थोड़ा ढंग से रेडी हुई हूँ। और यहाँ पे ये, और आप लोग को डेकोरेशन दिखाते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। मेरे हस्बैंड ने खुद से पहली बार मेरे लिए कुछ डेकोरेट किया है, तो आप लोग को दिखाते हैं। देखिए सिंपल में किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस इज माई बर्थडे केक ब्लूबेरी के ऊपर, और आज का केक ब्लू बोल रहे हैं सॉरी पर्पल है, तो इसीलिए मैंने ड्रेस भी पर्पल में पहना हुआ है। आजकल पर्पल तो बहुत ट्रेंडिंग है, तो इसीलिए पर्पल पहना है। और अभी केक कट का टाइम होने वाला है, 5 मिनट। कितना है? I think 5 मिनट only 5 मिनट मैंने देख लिया। तो देखते हैं कौन मुझे सबसे पहले विश करता है। होप्स तो मेरे हस्बैंड ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं और वही हूँ, और मम्मी लोग तो फोन में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे तो देन उन लोग से बात करेंगे। और एक बार आप लोग को लाइट्स ऑफ करके दिखाते हैं, मतलब एक्चुअली अच्छा लग रहा है लाइट्स ऑफ करके बहुत ज्यादा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सबसे पहले मेरे बाबू ने मुझे विश किया, मुझे पता ही था, क्योंकि वो मेरे साथ है, तो वही मुझे विश करेंगे। और शादी से पहले मेरी भी होता तो भी विश करते, मेरी दीदी या मम्मी में से कोई करते थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये साल तुम्हारे सबसे बेस्ट सालों में से एक हो, तुम्हारे ड्रीम्स इस साल पूरा हुए। होप सो। चलिए देखते हैं, भगवान तो कुछ और ही प्लान करके रखते हैं, हम लोग इंसान कुछ और प्लान करते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ और ही प्लान करते हैं। सही बात।
और गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम. मतलब होता है ना कि एक बर्थडे में एक स्पेशल वाला वाइब आता है, तो मुझे भी एक स्पेशल वाइब आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू. तो चलो काटते हैं केक. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. वो फिनिश हो गया. हैप्पी बर्थडे डियर निशा रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरे जो व्यूअर्स है अगर सिलीगुड़ी से है उनको तो मतलब बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी ही करूंगी क्योंकि ऑसम है. मुझे ना केक उतना ज्यादा पेस्ट्री वगैरह अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनका जस्ट वाव है, एकदम डिफरेंट है. मतलब सिलीगुड़ी में मैंने ऐसा कहीं टेस्ट नहीं किया. और हैंडमेड बनाते हैं, इंस्टेंट आपको चाहिए तो इंस्टेंट भी मिल जाएगा, जस्ट ऑसम है. लास्ट मिनट पे अगर ऐसा केक मिल जाए तो और क्या चाहिए. तुमको तो खिला ही नहीं रहा. मस्त है ना. अभी मैं वीडियो से ज्यादा खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. केक बहुत दिनों तुम से खाओ, हम वीडियो बनाते हैं. बहुत दिनों से मैं खा ही नहीं हूँ. क्या केक बेस्ट है? बहुत दिनों से खाई नहीं. वीडियो बंद कर देते तो आराम से खाओ. देखिए इनको टूट पड़े हैं. ओ एकदम से टूट पड़े हैं. तुम पागल है क्या? अचानक से अच्छा हुआ सेलिब्रेशन के बाद खुला है, ऐसा लग रहा था भूकंप आ गया. अच्छा मैंने आज आउटफिट ऑफ द डे नहीं दिखाया. सो दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे. मैं दिखाती हूँ, इसको खोल देती हूँ. अब देख सकते हैं आज मैंने ये ड्रेस वेस्ट साइड से लिया और एक लिया है जो मैं कल पहनूंगी. तो आज का मेरा आउटफिट ऑफ द डे ये है. तो मेरी मम्मी शायद सो गई है, तो मैं उनको वीडियो कॉल कर रही हूँ. देखना वो भी मुझे विश करेगी, बिकॉज मेरी मम्मी का और मेरे हस्बैंड का दोनों का साथ मुझे बहुत ज्यादा होता है ना, ये दोनों का ब्लेसिंग्स मुझे सबसे ज्यादा चाहिए. तो मैं खुद से ही मम्मी को कॉल करूंगी. हैप्पी बर्थडे टू यू. आज का जो छोटा सा सेलिब्रेशन था उसको यहीं पे एंड करते हैं और कल सुबह एक नई तरीके से मिलते हैं. कल भी कुछ हम लोग का प्लान है, तो कल देखा जाएगा. कल संडे भी है, अच्छा दिन है, मेरा बर्थडे पड़ा है. अदरवाइज मम्मी बोलती है 16 को रात में मेरा जन्म हुआ था, तो देखा जाए तो अच्छा टाइम पे ही सेलिब्रेशन हुआ है. मेरा चश्मा पहन लिया है. तो कल सुबह मिलते हैं. और इस यार लेकिन एक बात, मैं तो तुम केक ही नहीं खिलाया यार, चॉकलेट खिला देता हूँ. मैं आज खुद ही खाने में इतना बिजी थी, तुम क्या खिलाओगे मुझे. तो ठीक है, कल सुबह मिलते हैं. बाय बाय गाइज. और बहुत सारा बर्थडे का विश आप लोग कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा. बाय बाय एंड गुड नाइट. गुड मॉर्निंग गाइस. मैं उठ गई हूँ और देख रहे हैं अभी भी सो ही रही हूँ. और कल मेकअप करके सो गई थी, तो मेरा हाल कुछ ऐसा है. एंड सुबह उठते ही आप लोग का इतना सारा वेल विशेस फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जस्ट मेक माई डे. मतलब क्या बोले, सच्ची में ये जो बर्थडे का डे होता है ये स्पेशल होता है, बिकॉज इस दिन सब लोग आपको मैसेज करते हैं. जो लोग कभी भी नहीं किए होते हैं वो लोग भी करते हैं. तो आज का दिन स्पेशल तो है. और रात को सोने के बाद रूम का हालत देखिए, चारों ओर बैलून्स, उधर बैलून्स, मतलब चारों ओर बैलून्स और बैलून्स फैला हुआ है. तो अभी हम लोग उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे और देखिए क्या क्या करते हैं पूरा दिन. सुबह उठने के बाद मेरा केक ही चल रहा है अभी फिलहाल, और ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ. आज मैं सुबह सुबह क्या खाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो उठ के थोड़ा सा पोहा खा ली. और मेरे बाबू यहाँ पे तरबूज खा रहे हैं. आखिर क्या प्लान है,
आज का प्लान तो तुम बताओगे। हम बताएंगे बताएंगे थोड़ा देर बाद, तब तक केक को एंजॉय करते हैं। लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है और लंच का, आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ, आज वो लंच बना रहे हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो इतना क्रेडिट तो बनता है कि मैं आज लंच उनके हाथ से खाऊंगी। उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, सिंपल दाल चावल ही बनाएंगे, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या बना रहे हो, प्याज काट रहे हो? हम जो आता है यहाँ पे देखिए खाना में, पता नहीं क्या जो रेडी करके रखे हैं, दाल है। दाल को छोंके छोंको। तो मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और वो भी हो गए हैं, चलिए देखा जाए वो क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या और कैसा बनाए हैं। यहाँ पे ये बनाए हैं दाल, वाव ये तो दिख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सैलेड और आलू चोखा, और यहाँ पे चावल। That's all I prepared. बहुत अच्छा, ज्यादा आता नहीं। थैंक यू। So how's the test? Wow, मुझे बहुत दिनों बाद इतना अच्छा। कुछ भी बोलोगे? दाल मैंने खाया, मेरे से नहीं बनता है ऐसा दाल, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। इसलिए तो बोलो, इसलिए तो मैंने तुमको आज खाना बनाने के लिए बोला था, क्योंकि होता ना बर्थडे है तो कुछ स्पेशल खाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, हम दोनों रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को जाना है, देखिए कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। वो मुझे कुछ गिफ्ट करेंगे और डिनर डेट भी है उनके तरफ से, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ब्लॉग के साथ बने रहेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से घर से निकल रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चलिए चलते हैं फिर। जी बोलिए। क्या हो रहा है? वही छेला टकली जिज्ञासा कर रहा हूं। शॉपिंग तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। चलिए आप लोगों को सामने से दिखा देते हैं। हाँ खोलो ना, हाँ ये देखिए, मैंने अपना प्लेन थाली ऑर्डर किया है और मेरा तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल में है। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है, वो भी दो गिफ्ट, मतलब एक फोन तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे दिया ही है, उसके बाद सेकंड भी दे दिया। व्हाट इज दैट? आई डोंट नो, उनसे पूछना ना किसका नाम क्या है। पर्पल मोजिटो। तो ये इनका आ गया है ग्रिल चिकन, कैसा है? नाटक करोगे? इनका खाना तो आ गया, मेरा खाना अभी तक आया नहीं है, और मेरा भी जो मैंने मोजिटो ऑर्डर किया वो भी वो पिए जा रहा है। मैं क्या खाऊंगी? for
Yeah, that's a spin. क्या बोले? कभी बल्ला इज इट गुड सुपर गुड तो हम लोग बाहर से आ गए हैं और आज का दिन तो मेरा जस्ट वाव 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 रहा. मतलब बहुत दिनों बाद मेरा बर्थडे इतना ज्यादा स्पेशल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू. मतलब तुम मेरे लिए ना क्या बोलो, मतलब वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. ऐसा नहीं है कि तुम कुछ खरीद के दे रहे हो उसके वजह से मैं खुश हूँ, नहीं तुम छोड़ो. तो ऐसे आज हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे तो बहुत मजा आया. आप लोगों को कितना मजा आया कमेंट में जरूर बताइएगा. और आज विश्वकर्मा पूजा भी है तो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल. तो गुड नाइट गाइस, बहुत थक गए पूरा दिन भागम भाग. बहुत थक गए? हाँ तो हम बिल्कुल ही थक गए, लेकिन हम थक गए पूरा. तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय गाइस.